हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी या हमारा सीपीओ सब इंस्पेक्टर या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट या हम आर्मी नेवी एयरफोर्स अग्निवीर से लेकर हमारी फोर्सेस में ऑफिसर बनने की प्रक्रिया होती है एनडीए सीडीएस के माध्यम से, उसकी बात करें। मेडिकल आपका एक बहुत बड़ा इशू होता है क्योंकि मेडिकल जहाँ लास्ट में होता है वहाँ सब कुछ होने के बाद यदि आप मेडिकल में बाहर हो जाते हैं तो बड़ा झटका लगता है कि ये क्या हुआ, कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी मैं कैसे अनफिट हो गया। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमारा एक कैंडिडेट जो अनफिट होता है उसको बड़ी चौंका देने वाली स्थिति होती है, उसके लिए, उसके नियर डियर वंस के लिए, फैमिली के लिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जो देखिए कभी खुद की गलतियों की वजह से हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं आपको यहाँ दिखाते हैं। ये एक चैट है, हालांकि हम इस तरह का चैट अक्सर दिखाते हैं आपको तो हाइड कर देते हैं। ये कैंडिडेट खुद चाहते हैं कि इनका वीडियो बनाया जाए और कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसमें अनफिट हुए हैं, ये इस बात को ये पचा नहीं पा रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ इस कट की वजह से अनफिट हो सकता हूं। अब पहले इनको पॉइंट मिला था तब इन्होंने जानना चाहा था कि मैं इसमें क्या सावधानी रखूं कि री मेडिकल में फिट हो जाऊं। अब आज ये री मेडिकल में भी ये अनफिट हो गए, अब क्या करूं मैं, बिल्कुल ठीक हूं। ये देखिए क्या है, आप इनका लेफ्ट हैंड देख पा रहे हैं, लेफ्ट ये जो हिस्सा है इसमें इनके कुछ कट मार्क्स हैं। कुछ क्या मतलब, मल्टीपल कट मार्क्स हैं। यदि हम उसको देखते भी हैं तो कम से कम 15 से 20 कट लगे हुए हैं जो कि ब्लेड के कट हैं, और इसको देखते ही पता चल जाता है कि ये खुद से कट लगा, कि कोई एक्सीडेंटल कट होगा तो एक होगा, दो होगा, तीन होगा, लेकिन इतने ज्यादा तादाद में कट कैसे लगे। अब इनसे हमने अनफिटनेस सर्टिफिकेट मांगा, उससे पहले आपको इनका हाथ दिखा देते हैं। देखिए ये कट है, 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 तो काफी तादाद में इनके कट मार्क्स हैं। ऐसे कैंडिडेट्स कुछ हमारे पास प्री मेडिकल चेकअप के लिए भी आए थे, कट था उनका और वो फिट भी हुए। अब इसमें फिट होने का क्या होता है रास्ता, कि इसमें लेजर ट्रीटमेंट इसका हो सकता है कि लेजर से कुछ हद तक ये मार्क्स हल्के हो जाए। दूसरा, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वही इसके बारे में बेहतर एडवाइस कर सकते हैं फिजिकली चेक करके कि इसमें क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। अब इसमें अनफिट क्यों किया, रीजन क्या दिया अनफिट का, वो भी आपको दिखाते हैं। कि पहले डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में मल्टीपल हेसिटेशन कट मार्क्स ऑन फोर आर्म, लेफ्ट फोर आर्म। अब जो राइट हैंड से लिखता है वो कभी राइट हैंड पर कट, अब जब भी ऐसा कट होता है तो आपको पहला प्रश्न आपका मास्टर हैंड देखा जाता है कि कौन सा हैंड है, इस हाथ से आप लिख रहे हैं इस पे कट है। अब यहां पे इनका बिहेवियर जो है वो देखिए, 19/7 से 24/7 तक इनका बिहेवियर चेक किया गया है, जो मनोचिकित्सक है उनके द्वारा पूरा उसमें डिटेल दिया है। री मेडिकल बोर्ड आस्क्ड जो साइकेट्रिस्ट हैं उनको ओपिनियन के लिए कहा, इंडिविजुअल वाज एडमिटेड, अब इसमें लिखा है कि एडमिट किया गया इनको रेफरल हॉस्पिटल विथ इफेक्ट फ्रॉम 19 जुलाई 2023 से 24 जुलाई, ये जहां पर इनका मेडिकल हुआ है वो रेफरल हॉस्पिटल, और फिजियो जो साइकेट्रिस्ट जो है उनका ओपिनियन जो है वो ये है कि नॉट फिट फॉर कॉम्बैट यूनिफॉर्म सर्विसेज, ओपिनियन अटैच किया है इसके साथ। अब आप देख रहे हैं 5 दिन का इनका एडमिट रख के इनका बिहेवियर जो है उसका रिपोर्ट बना है, उस रिपोर्ट के आधार पर इनको अनफिट किया गया है। कॉम्बैट यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए ये फिट नहीं है, क्यों नहीं है, कि हेजिटेशन कट मार्क ऑफ ऑन लेफ्ट फोरआर्म, हाई रिस्क बिहेवियर इन स्ट्रेसफुल कंडीशंस। अब इनको सुबह शाम बीपी देखा गया है, इनका कैसा बर्ताव है, किस तरीके से बात करते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, सब कुछ हुआ है, और उसके बाद अनफिट कर दिया गया। अब ये जानना चाहते हैं कि क्या हम हाई कोर्ट कर सकते हैं। देखिए पहले भी आपको बताए हैं कि सभी
अनफिट होने वाले पॉइंट्स में हम हाई कोर्ट नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप हाई कोर्ट करते हैं, अब इसमें किस आधार पर आप हाई कोर्ट करेंगे? एक स्पेशलिस्ट ने सब कुछ अपना ओपिनियन दे दिया, सूटेबिलिटी फोर्स को मेडिकल अफसर को तय करनी है। अब एक सिविल हॉस्पिटल में आप दिखाते हैं, वो कहते हैं कि क्लिनिकली और जो फिजिकली जो है डायग्नोसिस किया गया और ये सब पूरी तरीके से ठीक है, हाथ का मूवमेंट ठीक है, हाथ का मूवमेंट ठीक है, लेकिन किसी समय जो है वो मनोस्थिति ऐसी थी कि खुद का नुकसान करने की कोशिश की और कॉम्बैट यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए फिट नहीं है, यानी कि जहां हथियार रहता है आपके पास, उस स्थिति में इस तरह की मनोस्थिति दी हो जाती है। तब एक कैंडिडेट क्या करता है, वो हम आए दिन देखते हैं कि अभी अभी हमने देखा, 2 दिन पहले ही नेशनल मीडिया में भी देखा, सभी जगह देखा, क्या हुआ कैसे हुआ। तो देखिए, अब यहाँ पर अब हम इनको बताना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में ठीक है, आपने बहुत मेहनत की थी, बहुत नामी कोचिंग में आपने तैयारी की थी, सब कुछ किया था, लेकिन अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है इस तरह का जो है, तो ठीक है, इसको एक सच्चाई मानकर स्वीकार करना होगा और सिविल जॉब जो है उसकी तैयारी करें या दूसरी भर्तियों की तैयारी करें, ठीक है, वो डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आपके रिकॉर्ड में एक बार ये लिख लिया तो आप अगली भर्ती की तैयारी नहीं कर सकते। पहली बात तो देखिए, जब इनको पूछा गया है कि ये कैसे कटा, तो इनका कॉन्फिडेंस देखा गया है कि ये क्या रिप्लाई किया है। हालांकि इन कैंडिडेट से हमारी पर्सनली बात नहीं हुई, इन्होंने जो चैट किया था उसी के आधार पर, और जो दूसरे कैंडिडेट कोई इस तरह के पॉइंट पे अनफिट हुआ है वो भी मैसेज कर सकते हैं, ताकि ये चेक कहते हैं कि हम एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, हम लोग आपस में जुड़ के कि क्या हम फाइट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए, फाइट करने वाली कोई बात नहीं है, बाकी आप ग्रुप बना सकते हैं दूसरे कैंडिडेट कोई ऐसे जिनको इस तरह के हेजिटेशन कट मार्क्स में अनफिट किया है, वो इनके साथ जुड़ सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपका भी कोई ऐसा डाउट है, कोई प्रश्न है, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। आ मेडिकल टीम, आई स्पेशलिस्ट, MD फिजिशियन, एंड स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट, गाइनोलॉजिस्ट, फीमेल स्टाफ फॉर फीमेल कैंडिडेट। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877444।